संत रामपाल महाराज के शिष्यों ने विलासपुर में निकाली शोभा यात्रा। शामिल हुए लोग संत रामपाल महाराज के शिष्यों के द्वारा विलासपुर शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो भव्य रूप में रही। साथ ही शहर का भ्रमण करते हुए निकाली गई, जिसे देखने वहां काफी संख्या में लोग पहुंचे। यह शोभा यात्रा परमेश्वर कबीर साहेब प्रकट दिवस के अवसर पर निकाली गई। जून महीने की ज्येष्ठ शुद्ध पूर्णमासी संवत 1455 से सन 1398 को कबीर परमेश्वर सत्यलोक से चलकर आए थे तथा काशी शहर के लहरतारा नामक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु के रूप में विराजमान हुए। वहां से नीरू तथा नीमा नाम के जुलाहा धारक दंपति थे, उन्हें उठा ले गए। शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीर देव कबीर साहब ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। नीरू तथा नीमा पिछले जन्म में ब्राह्मण थे। बच्चे की नाजुक स्थिति देखकर नीमा ने अपने इष्ट देव शिव जी को याद किया। शिव जी साधु वेश में वहां आए तथा बालक रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर जी को देखा। बालक रूप में कबीर साहब जी ने कहा कि शिव जी इन्हें कहो कि एक कुंवारी गाय लाए, वह आपके आशीर्वाद से दूध देगी। ऐसा ही किया गया। कबीर परमेश्वर के आदेशानुसार भगवान शिव जी ने कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाई। उसी समय बछिया नक के थनों से दूध की धार बहने लगी। एक कोरा मिट्टी का छोटा घड़ा नीचे रख पात्र भर जाने पर दूध बंद हो गया। फिर प्रतिदिन बछिया के थनों से दूध निकलता, उसको परमेश्वर कबीर जी पिया करते थे। कबीर परमेश्वर जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग से शत सुकृत, त्रेता युग में मुनीन्द्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर परमेश्वर कबीर साहेब के नाम से प्रकट होते हैं। एक बिजली खान पठान मगहर रियासत नवाब था। मगहर नदी के साथ से एक आदमी नदी बहती थी। वह भगवान शंकर जी के श्राप से सूख गई थी। भगवान शिव का दूसरा श्राप था कि जो मगहर में प्राण त्यागेगा वह गधे की योनि को प्राप्त करेगा, फिर वह नरक में जाएगा। जो काशी में मरेगा वह वैकुंठ जाएगा। इस भ्रम का निवारण करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने एक लीला जी को अपने अंतिम समय पर मगहर उत्तर प्रदेश में संवत 1575 सन 1519 को शरीर सनातन परमाधर सतलोक हो गए। मृत शरीर की जगह पर चादर से ढके हुए कमल के पुष्प मिले, जिसे देख जनता हैरान रह गई और कबीर साहब के जयकारे लगने लगे। कबीर साहब को चाहने वाले हिंदू एवं मुसलमान ने आपस में पुष्प व चादर को आधा आधा बांट लिया। परमेश्वर कबीर जी की मगहर लीला प्रमाण के लिए पैच। परमेश्वर कबीर जी की मगहर लीला प्रमाण के लिए हिंदुओं ने मंदिर बनाया और मुसलमानों ने मजार का निर्माण किया। परमेश्वर कबीर साहेब प्रकट दिवस के अवसर पर जिला बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा का उद्देश्य मानव समाज को नशा मुक्त करना, आडंबर मुक्त, दहेज मुक्त करना है। संत कबीर साहेब जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करके स्वच्छ समाज का निर्माण करना हमारा उद्देश्य है। इस विशाल शोभा यात्रा रैली के माध्यम से हम आप सभी को कबीर प्रकट दिवस के कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करते हैं। साहेब की 626वीं प्रकट दिवस पूरे इंडिया में 10 आश्रमों में एवं नेपाल में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ वालों को जो है सतलोक आश्रम बैतूल उर्दन एवं सतलोक आश्रम इंदौर में जो है प्रकट दिवस मनाने के लिए जाना है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज, जो समाज में फैली हुई कुरीति है, दहेज प्रथा है, नशापान है, रिश्वतखोरी है, इनको जड़ से समाप्त कर एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना है। यह एक जन जागरूकता रैली है। परमात्मा जब 600 वर्ष पहले आए थे तो जाति पाति छुआछूत भेदभाव को खत्म करने के लिए एक तत्व ज्ञान दिया था। वही तत्व ज्ञान जो कबीर परमात्मा ने 600 पहले दिया था, आज संत रामपाल जी महाराज मानव समाज को दे रहे हैं, ताकि मानव समाज आज जिस परिस्थिति में है, किसी को कोई शांति नाम की कोई चीज नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज आज छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में एक जन जागरूकता रैली के माध्यम से आम मानव समाज को विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर का सादर आमंत्रण भी दे रहे हैं और तत्व ज्ञान के माध्यम से सर्व समाज को जो है आध्यात्मिक जो मार्ग है, जो हमारा मोक्ष मार्ग है, इनके प्रति जागरूक कर रहे हैं। जो परिचय बता दीजिए। दुष्यंत दास, छत्तीसगढ़ राज्य कोऑर्डिनेटर। हमारे सदगुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो 2-3-4 जून को कबीर साहेब प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में 11 सतलोक आश्रमों में निःशुल्क भंडारे का, निःशुल्क रक्तदान और दहेज रहित विवाह की जो तैयारियां चल रही है, उससे सभी जन जागरण को आमंत्रण के लिए आज हमने शोभा यात्रा का आयोजन किया था, जो बिलासपुर जिले में आयोजित किया गया। इसमें बिलासपुर तथा मुंगेली जिले की ही सिर्फ संगत आई हुई थी और अपनी उपस्थिति देकर उन्होंने
सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहेब के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में सभी को आमंत्रित किया पूरे बिलासपुर वासी। मेरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंकज दास है, मैं छत्तीसगढ़ सचिवादार। ठीक।